हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफार्म। माय सेल्फ मंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड BP702 थ्योरी। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से है। यूनिट सेकंड में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, WHO गाइडलाइन, टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पूरा हो चुका है, ग्रैनुलेटरी ऑफ TT प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, TT एजेंसी इन इंडिया। और आज हम बात करेंगे TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये जितने भी पुराने वीडियो हैं, इनके लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज अ प्रोसेस बाय विच अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, नो हाउ और फैसिलिटीज डेवलप बाय वन इंडिविजुअल। यदि कोई व्यक्ति, एक मैं हूं या आप में से कोई एक व्यक्ति है, वो ये डेवलप करता है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है या किसी चीज में एक्सपर्टाइज रहता है, या कोई बता सकता है कि इस काम को किस तरह से कर सकते हैं वो, या कुछ ऐसी फैसिलिटी डेवलप करता है, उसको इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइज इस ट्रांसफर टू अनदर इंडिविजुअल। या तो कोई व्यक्ति, कोई इंटरप्राइजेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को डेवलप करता है और वो किसी इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन को देता है, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, विद इन कंट्री होता है और कंट्री में भी होता है, यानी कि आपस में कंट्री में भी हो सकता है और स्टेट्स में भी हो सकता है, और आप बोल सकते हो कि फैक्ट्री टू फैक्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हो सकता है, R&D टू लेबोरेटरी होता है, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। अब टीटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, ठीक है, और एक्चुअल में जरूरत क्या पड़ती है। भाई जरूरत ये पड़ती है कि हमने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी और झगड़ा हो गया, तो इसलिए हम पहले से ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, कौन कितना शेयर लेगा, ये सब चीजें होगी ना। द सेल एंड परचेस ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट्स। आपके पास कोई राइट्स है सेल और परचेस का, तो वो कैसे सॉरी या तो कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसका राइट्स हम उससे लेंगे कि भाई हमको बनाने दे यार, तो वो जो भी उसका पैसा होगा या जो भी उसको चाहिए, उसकी जो डिमांड होगी, उसके हिसाब से आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे। ऑफ द परमिशन टू यूज द गिवन टेक्नोलॉजी, या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी उसकी परमिशन हम यूज करेंगे, या फिर नो हाउ, कोई ऐसी चीज है जो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज आती है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन होता है, जिसके पास पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, ठीक है, या जो सप्लायर्स होता है उस क्या क्या किस चीज का, या तो उसके पास कोई पेटेंट है, ठीक है, या उसके पास सेल्स का कोई राइट्स है, या उसने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, या वो ये बता रहा कि किस तरह से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफरर। उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ट्रांसफरी कौन है, जो उससे ये टेक्नोलॉजी ले रहा है या राइट्स खरीद रहा है या उसका ट्रेडमार्क ले रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हम किसी ने ट्रेडमार्क ले रहा है, ट्रेडमार्क हम यूज कर रहे हैं उसकी परमिशन से, तो वो हो गया ट्रांसफरर, हम हो गए ट्रांसफरी। द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी इज इसेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर बेस्ड ऑन द लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बात खत्म, लीगल एग्रीमेंट होता है बाय वे ऑफ सेल्स और असाइनमेंट ऑफ IP राइट्स। इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात कर ले, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की बात कर ले, ये सब इसमें होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, मेनली द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज इज गिवन इन द एग्रीमेंट टू क्लाइंट टू रिमेन द सोल ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड प्रोटेक्ट द रियल ओनर फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट। मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल राइट्स ये है कि आपके पास होल सोल राइटर आप हो इस चीज के, आपके पास जो भी चीजें हैं, पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्ट, ये सब चीजें हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई है और उसको हम मैंने कॉपीराइट करा लिया, तो अब कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, यानी कि थर्ड पार्टी उसको यूज नहीं कर सकती, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कौन कौन से लॉ मदद करते हैं, पेटेंट एक्ट 1970 और ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये हमारे यहाँ इसको बात करते हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की तो बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी या किसी पर्टिकुलर थिंग में उसने पेटेंट किया है, अब मैंने उससे एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट बना के मैंने बोला ठीक है भाई मैं इसको यूज करूंगा, हाँ, पर क्या होगा,
मैं किसी तीसरे से भी एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि मैं उधर से लेके आऊंगा तेरे को दे दूंगा, या फिर कुछ कॉन्फिडेंट ऐसी बातें होती कि भाई ये बातें हम दो के बीच में रहना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, एग्रीमेंट में कोई ने भी बोल दिया कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने मेरे से एग्रीमेंट किया है। तो ये क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें रहती है कि आपको कॉन्फिडेंशियल इनको रखना पड़ेगी। इन द क्लॉज बोथ द पार्टीज आर मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी प्राइवेट, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन वो डिसाइड करते कि ये हमको नहीं बताना है, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट बनी रहेगी। फॉर एनी सच बीच इन द फ्यूचर रेमेडीज एंड आइडेंटिटी प्रोविजन शुड बी मेंशन फॉर बोथ द पार्टीज। यदि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स होती है, किस कारण से होती है, तो क्या होगा, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, ये सारी बातें आप पहले ही कर ले। यदि किसी ने आपकी ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो एग्रीमेंट है इसको ब्रेक करा तो क्या होगा, तो ये सारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब यदि हम बात करते हैं टीटी एग्रीमेंट इज एंटी कॉम्पिटेटिव कब हो जाता है, जब पेटेंट पुलिंग होगा। पेटेंट पुलिंग मतलब आपने क्रॉस लाइसेंसिंग कर दी, एक व्यक्ति से आपने उसका पेटेंट खरीदा और अगली 10 कंपनी को आपने नीचे बेच दिया, उसको पता ही नहीं चला, तो ये आपका पेटेंट पुलिंग बोलते हैं या इसको क्रॉस लाइसेंसिंग बोलते हैं। टाई इन एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट में कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसमें यह होता है कि आपके पास जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है ट्रांसफरर, तो वो बोलता है ट्रांसफरर को कि ऐसी कंडीशन भी देता है कि भाई ये मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी तो मैं तुमको दे रहा हूँ, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ नॉन मूविंग प्रोडक्ट जो मेरे हैं वो भी आपको खरीदना पड़ेंगे। ये होता है टाई इन एग्रीमेंट। प्रोहिबिटिंग लाइसेंस टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम राइवल कंपनी। अब इसमें क्या होता है कि आप सेम मैन्युफैक्चरर कंपनी को ये चीजें नहीं दोगे, पता पड़े आपने एक से ली और दूसरे को सेम वैसे कोई दे दी तो उसका तो प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया ना भाई। प्रोहिबिटिंग लाइसेंस फ्रॉम चेंजिंग वैलिडिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भाई आपका जो आईपी राइट्स आपके जो है एक पर्टिकुलर टाइम जो है वहां तक आप इसको यूज करते हो। प्राइस फिक्सेशन ऑफ द लाइसेंस टू सेल द लाइसेंस प्रोडक्ट। प्राइस फिक्सेशन भी इसमें रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि उसकी से ज्यादा, उससे आपने प्रॉपर्टी तो ले लिया, उससे आपने ये डिसाइड कर लिया कि उसकी टेक्नोलॉजी हमने ली, टेक्नोलॉजी लेके वो बोलेगा, जैसे मानने के लिए उसने कोई किसी, आपने एक पर्टिकुलर सोफ्रामाइसिन पे, या सोफ्रामाइसिन का नाम नहीं लेना चाहिए हमको, हम बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई टेबलेट बनाया, उस सिप्रोफ्लॉक्सासिन के टेबलेट पे आपने पेटेंट ले लिया, माउथ डिजोल्विंग टेबलेट बनाया आपने और उस पर पेटेंट ले लिया। अब आप बेच रहे हो उसको 20 रुपए का टेबलेट, और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे वो टेक्नोलॉजी खरीदी, यानी वो बोल रहा है कि भाई मैं आपसे ये टेक्नोलॉजी लेता, उसने पेमेंट करा, तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो प्राइस कि तुम 20 रुपए से कम में नहीं बेचोगे तो मैं तुमसे एग्रीमेंट करूं, या तुम बोलोगे 15 रुपए से, तो प्राइसिंग भी स्टार्टिंग में कर लेगा, पता पड़ा ये 20 रुपए में बेच रहा और वही टेक्नोलॉजी से वो 10 रुपए में बेच रहा, तो इसका माल कौन खरीदेगा, तो ये प्राइसिंग इसमें डिसाइड होती है। अब टर्मिनेशन क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज क्या होता है भाई, कब झगड़ा हो गया तो कब खत्म होगी चीजें। इट शुड बी मेंशन दैट अंडर विच सर्कमस्टेंसेस एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी टर्मिनेटेड। इसमें पहले से ही लिख लिया जाता है कि भाई किन किन सिचुएशंस में आपका टीटी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। द टर्मिनेशन क्लॉज में इंक्लूड द रीजन लाइक नॉन पेमेंट ऑफ द फीस, या तो आपने उससे बोल दिया हाँ इतना पैसा देंगे, 50,000 दिया और उसके बाद देना बंद कर दिया, जो भी मतलब आपका हुआ है, तो इस सिचुएशन में दिक्कत आएगी। प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस किसी ने बढ़ा दी तो दिक्कत आ सकती है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अब हमने बात करा था कि इस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए और क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहे हो तो खत्म हो जाएगी। सर्विस इज नॉट एज गुड एज द वेंडर डिस्क्राइब। स्टार्टिंग में आपने जिस तरह से बताया था कि हम ये सर्विस आपको देंगे, और अगर आप वो सर्विस नहीं दे पा रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये टर्मिनेशन क्लॉज काम करेगा और आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर परफॉर्मेंस गारंटी क्लॉज, इसमें क्या होगा, जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात होती है, यदि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केट में नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस बताना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस तरह से बनाएगा, और यदि उसका डेवलपमेंट सही नहीं होता तो आप का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। फिर प्राइसिंग एंड फीस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, द फीस स्ट्रक्चर अंदर का एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर फॉर व्हाट हाउ एंड वेयर, किस चीज के लिए कब और कितना पैसा लेना है, ये सारी चीजें उसमें क्लियर होना चाहिए। द पार्टीज कैन आल्सो मेक द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम पेमेंट। आप पहले ही बता दो कि 6 महीने में इतना लूंगा, फिर उसके 3 महीने बाद इतना पेमेंट, तो प्रॉब्लम पेमेंट की नहीं आना चाहिए। यहां पर
प्राइसिंग और फीस स्ट्रक्चर इसलिए बात करते हैं, या फिर आप लमसम अमाउंट देते हो तो उसमें क्या देने के फायदे क्या देने के फायदे नहीं है। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी क्लॉज रखना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जुडिशरी कहाँ की लगेगी। जैसे पर्टिकुलर आप जिस एरिया में काम कर रहे हो तो जुडिशरी वहीं की लगाएंगे, क्योंकि बार बार यदि केस होता है तो तारीख पे कौन जाएगा, ठीक है। आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि इस रीजन पे ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो बहुत सारी कंपनियों में आप देखेंगे कि जो नेटिव है, जो यहाँ की कंपनियां हैं वो वहीं का जुडिशरी लगाती है। मुंबई की कंपनी बोलती है भाई मुंबई में ही आके आपको केस लड़ना पड़ेगा। फिर बात आती है वारंटीज, अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विल बी इंक्लूड ऑफ वारंटी क्लॉज, वारंटी क्लॉज भी इंक्लूड करेंगे, इंश्योर दैट द लाइसेंसर हैज सोल पोजीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डजंट इंटरफेयर एनी थर्ड पार्टी राइट्स। अब वही बात आ गई कि पहले से जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन ऐसा होगा कि तीसरा आदमी इसमें बीच में आना नहीं चाहिए, ठीक है। द वेंडर में रिफ्यूज द वारंटी इफ ही फाउंड एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी विदाउट हिज नॉलेज। अब क्या हुआ, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना, भैया तुम मुझसे टेक्नोलॉजी ले रहे हो और तीसरी पार्टी को भी बीच में मिला रहे हो कि यार ऐसे से हम काम कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट खत्म। यानी कि दो के बीच में हुआ है या तीन के बीच में हुआ है, जिसके बीच में भी हुआ उससे अगला व्यक्ति इसमें एंटर नहीं करेगा। अब मिसलेनियस क्लॉज की बात करते हैं, जो भी क्लॉज अब बचे हैं जनरली वो क्लॉज इसमें आ जाएंगे। कैसे, ऑडिटिंग का क्लॉज हो गया कि भाई ऑडिट कितने दिन में करेंगे, हमने किसी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी और उसके बाद उसको बोला तो हमारे को माल को प्रोडक्ट बनाकर, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है तो उससे टेक्नोलॉजी हम करेंगे खरीदेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक पर्टिकुलर टेबलेट फॉर्मुलेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप करी, वो टेक्नोलॉजी मैंने थर्ड पार्टी को दी और उसी से प्रोडक्ट बनवा के वो माल में वापस खरीद रहा हूं, तो इस सिचुएशन में मैं ऑडिट करूंगा। तो ऑडिट की जो सिचुएशन है, ऑडिट की डेट जो है वो आपको देखना पड़ेगी। इंश्योरेंस कोई है कि भाई आग लग गई, भूकंप आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑनरशिप चेंज हो गई तो क्या होगा, पता बड़ा मैंने फैक्ट्री में एग्रीमेंट तो कर लिया और मेरी माली हालत तगड़ी हो गई खराब, तो मैंने बेच दी फैक्ट्री, तो फिर क्या होगा। तो ये जो सिचुएशन होगी चेंज इन ओनरशिप, ये भी आपके एग्रीमेंट में रहेगी। और यदि कोई मॉडिफिकेशन है तो वो दोनों पार्टी मिलकर कब कर सकती है और किस सिचुएशन में कर सकती है, ये आप लेंगे। इसी के साथ एक चीज आती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs, इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे भी आप जब काम करेंगे तो MOU के बारे में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज आउटलाइन इन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। कुछ होना हो तो ये बहुत काम आता है कि हाँ भाई हमने ये टेक्नोलॉजी शेयर करी है, हम ये पर्टिकुलर स्पेस शेयर कर रहे हैं, या जैसे मानने के लिए हम बात करते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उससे कॉलेज ने डिसाइड किया कि मेरे यहाँ के 10 बच्चे आपके यहाँ आके ट्रेनिंग लेंगे, तो ये आपका एक MOU साइन हो गया, उसको 10 बच्चे को ट्रेनिंग देना ही देना है, उसके बिहाफ पे वो क्या चाहता है ये आपका आपसी मामला है। अब यदि डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ एन एग्रीमेंट दैट टू और मोर पार्टीज हैव रीच। अब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो या तीन से ज्यादा पार्टी आ रही है, वो एक एग्रीमेंट कर रही है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो जो सारी चीजें बताता है कि इन लोगों के बीच में हुआ क्या है। MOUs कम्युनिकेट द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन, जितनी भी पार्टी उस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है उनके एक्सपेक्टेशन क्या है वो उस MOU में लिखे होते हैं। द MOU इज अ मोस्ट ऑफन फाउंड इन द इंटरनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन बता देता है। अब कंटेंट ऑफ MOU, यदि MOU की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लियरली आपको देना पड़ेगा जो पार्टी है उसका नाम आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम मनदीप पाटीदार है तो आपने मनदीप लिख दिया, अब मनदीप के आगे क्या, कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि कौन पार्टी है उसका नाम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन विच दे आर एग्रीइंग, एक कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है लेकिन पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट में ये दोनों लोग या तीनों लोग या चारों लोग एग्री है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, उसका स्कोप जो है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिटेल ईच पार्टीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक पार्टी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखना पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर आदमी का ये रोल है, ये पार्टी ये काम करेगी, ये इस तरह से आपको पूरा MOU में देना पड़ेगा।
वाइल नॉट ए लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट, यदि आपके पास कोई लीगली एक एनफोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस समय एमओयू ऐसा काम करता है कि आपका लीगली डॉक्यूमेंट्स है। रेफरेंसेस की यदि बात करते हैं हम, तो ये कुछ रेफरेंसेस है, आप यहां से जाकर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।